खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। यूपी की सियासत से जुड़ी कोई बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कल दोपहर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान भाजपा के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि तकरीबन एक घंटे तक सभी नेताओं की बैठक चली है और इसमें यूपी की सियासत को लेकर बातचीत हुई है। अब इस मुलाकात के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि 2017 में ओपी राजभर ने भाजपा के साथ ही मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, हालांकि बाद में वे भाजपा से अलग हो गए थे, जिसके बाद 2022 में ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली है। और अब ये बड़ी खबर है, जहां अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है ओम प्रकाश राजभर ने, और कल दोपहर को दिल्ली में मुलाकात हुई है, काफी देर तक ये बैठक चली है और इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे इस बैठक में, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ओपी राजभर फिर से भाजपा से मिल सकते हैं और 2024 के जो नतीजे हैं क्या उनमें कोई फेरबदल किया जा सकता है। हालांकि ओपी राजभर से भी लगातार अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 2017 में ओपी राजभर का गठबंधन भाजपा के साथ ही था और उस दौरान वे सरकार में भी शामिल हुए थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपना गठबंधन भी तोड़ दिया और 22 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी के साथ लड़ते हुए 6 सीटें भी उन्हें मिली हैं। तो ये बड़ी खबर, और अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ओपी राजभर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एक बार फिर से भाजपा से जुड़ सकते हैं।